इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आज के लॉजिक के ऊपर कि मैंने आज जो ट्रेड ली थी वो किस लॉजिक के साथ ली और कहाँ मैं गलत था कहाँ मैं सही था। आज मैंने क्या किया, मार्केट के अंदर मैंने वेट किया, मार्केट के अंदर मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ एक बार। वैसे मेरी साइकोलॉजी के ऊपर भी एक वीडियो आने वाली है तो उसको बड़े ध्यान देखना, बड़ी अच्छी है। आपको अपने साइकोलॉजी पे और इमोशंस पे कंट्रोल कैसे करना चाहिए उसके अंदर सब बताया है, वो आज के ही मार्केट के ऊपर बनाई गई है तो उसको आप कभी भी दे सकते हैं, वो आपके लाइफ टाइम काम आएगी। ओके, मार्केट में क्या हुआ, एक गैप अप हुआ, मार्केट ने अपर साइड मूवमेंट दिखाई और कितने बजे के आसपास 11:45 के आसपास एक ब्रेकआउट आया, पर ये ब्रेकआउट सब में सेम नहीं आया था। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि HDFC बैंक, ICICI बैंक और निफ्टी 50 के अंदर ये ब्रेकआउट नहीं आया था तो मैंने इसलिए ट्रेड नहीं ली। ये चीज़ आपको मैं नहीं दिखाऊंगा, ये चीज़ आप खुद जाकर चेक करना, ठीक है, कि ब्रेकआउट आया था सेम नहीं आया था तो मैंने कोई ट्रेड नहीं ली। मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाती रही, मार्केट ऊपर गई पर मैं ट्रेड नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे सेटअप के अनुसार मार्केट नहीं आया था। जब तक मेरे सेटअप के अनुसार मार्केट नहीं आएगा तब तक मैं ट्रेड नहीं करूँगा, सिंपल बात है, ऐसे ही आपको करना चाहिए। तो फिलहाल मार्केट में एक ब्रेकआउट आया था, मैंने कोई ट्रेड नहीं ली। जब मार्केट ऊपर काफ़ी आ गया यहाँ तक, अब जब अपर साइड था, यहाँ मैंने क्या सोचा कि क्यों नहीं यहाँ पे 34,600 का पुट सेल कर दिया जाए जिसका प्रीमियम केवल और केवल 11 रुपये के आसपास था। मैंने सोचा कि मार्केट 34,600 से नीचे क्या ही आएगा क्योंकि मार्केट में यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट काफ़ी ऊपर आ गया था तो इस सपोर्ट को ब्रेक करना काफ़ी मुश्किल था। तो मैंने यहाँ पर कोई ट्रेड इसलिए यहाँ पर नहीं ली थी, यहाँ पर ली तो मैंने यहाँ पर पुट सेल कर दिया हेजिंग के द्वारा। मैंने कम से कम में 150 क्वांटिटी सेल कर दी 34,600 के पुट की। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, ये मेरे ऑर्डर्स हैं, आपको दिख पा रहा होगा 25 क्वांटिटी, 225 क्वांटिटी सब क्या कर रखा है। तो आपने मेरे अगर ऑप्शन हेजिंग की वीडियो नहीं देखी है तो जाके इसको देख सकते हैं। तो ये सब ऑप्शन हेजिंग कहलाती है जो कि मैंने की। तो मैंने ओवरऑल 11 रुपये के आसपास 34,600 के पुट को सेल किया था और 33,000 के पुट से उसको मैंने हेज कर दिया था, ठीक है, ऐसे करके मैंने सेलिंग की थी। अब बात आती है ये कि उसके अंदर क्या हुआ, मेरे को हुआ लॉस क्योंकि मार्केट उसके बाद से ही नीचे आने स्टार्ट हो गई थी। जब मार्केट यहाँ पे आ गई थी अपने इस सपोर्ट के पास तब मैंने यहाँ पे अपने पुट को निकाल लिया क्योंकि जो मैंने 11 रुपये का पुट था वो 25 रुपये पर आ चुका था तो मैंने 25 रुपये पे उसको निकाल लिया। मैं फिर दिखाता हूँ आपको ऑर्डर्स में जाके, आपको दिख पा रहा होगा मैंने 150 क्वांटिटी यहाँ पे निकाल ली 25 रुपये पे और जो मैंने हेज कर रखा था उसको मैंने सबको निकाल लिया तो इसलिए मेरा 2,000 रुपये का लॉस हुआ और 190 रुपये का इसमें हुआ जो मैंने हेज कर रखा था तो लगभग मेरा 2,200 रुपये का लॉस हुआ। पर मैं तभी तुरंत एक पुट भी बाय कर लिया, कितनी क्वांटिटी के साथ, 75,150। एक बार मैंने 121 बाय किया और एक बार 135 बाय किया, फिर मैंने उसको 164 रुपये निकाल लिया और एक को मैंने 150 रुपये निकाल लिया। तो ऐसे करके मैंने लगभग 3600 रुपये प्रॉफिट किया और मेरे को ओवरऑल 1400 रुपये प्रॉफिट हुआ। इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं है पर बात है लॉजिक की कि क्या लॉजिक लगाया मैंने। जब आप मार्केट में गट प्रूफ होते हो तो आपको अपनी व्यू को चेंज भी कर लेना चाहिए, वही मार्केट में मैंने देखा। और एक बात और देखिए, आप जब मार्केट नीचे आ रहा था तो मैंने एक बात और देखी, जब मार्केट इसको टच करके ऊपर आने लग गया तभी मैंने अपने पुट को निकाला जो मैंने बाय कर रखा था। अगर मैं उस पुट को होल्ड करके रखता ना तो अब तक वो प्रीमियम 0 हो चुका है तो मेरे को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया होता। तो इसलिए आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना चाहिए, उसी के ऊपर आज मेरी पूरी साइकोलॉजी वाली वीडियो आई है। अभी आपको थोड़ी देर बाद अपने यूट्यूब पे मिल जाएगी, उसको जाके देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो है। तो ऐसे ही मैंने ट्रेड का लॉजिक देखा और ट्रेड ली। पहले मैंने पुट को सेल किया था, वैसे एंड तक मार्केट 34,600 के नीचे नहीं आया। अगर मैं उस ट्रेड को होल्ड करके रखता तो मेरे को 11 रुपये का प्रीमियम आराम से पूरा मिल जाता, 0 हो जाता और मेरे को लगभग 150 क्वांटिटी पर 1500 रुपये मिल जाते। वो ओनली टाइम पास ट्रेड थी पर वो ट्रेड मेरे अगेन जा रही थी। उस टाइम पर उसने लगभग 50 रुपये का हाई भी लगाया था
और मैंने स्टॉप लॉस केवल और केवल 30 रुपये लगाया था, 25 पे आ गया, मैंने निकाल लिया क्योंकि मेरे को पुट बाय करना था, तो मैंने पुट बाय कर लिया, मेरे को उसके अंदर 3600 का प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल 1400 का मेरे को प्रॉफिट हुआ और मैं आराम से बैठ गया। बस आज की मेरी टाइम पास ट्रेड ख़त्म हो गई। तो ऐसे करके मैंने ट्रेड करी। आपकी अपनी कोई क्वेरी हो यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, ताकि मैं आपके क्वेरी के आंसर कर पाऊँ। मैं आपके लिए ही बना हूँ, आपके लिए पूरा चैनल है, आपकी रिप्लाई नहीं करूँगा तो किसकी रिप्लाई करूँगा, है ना। तो अपना कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। और आज मैंने केवल एक टाइम पास ट्रेड की है, मैंने किसी अपने क्लाइंट की ट्रेड नहीं की है, ठीक है। तो किसी की शिकायत हो कि आपने मेरी ट्रेड नहीं ली, तो उसे आप बेफिक्र रहें, मैंने किसी की ट्रेड नहीं ली आज। अपना कीमती समय देने के लिए पूरे दिल से धन्यवाद भाई, थैंक यू।